मध्य प्रदेश से हैं। बाबा मैं कुसुम कुशवा ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूं। मेरी छोटी बहन के यहां बहुत सालों के बाद बच्चा हुआ, 7 महीने का गर्भ ठहर गया। 7 महीने का गर्भ था 27/11/2023, अभी कुछ ही दिन पहले 27 तारीख को। आपकी कथा यहां 28 तारीख से प्रारंभ हो रही थी। 27 तारीख को मेरी बहन को दर्द उठा, बहुत सालों के बाद बाबा की कृपा से तो बच्चा ठहरा और 7वां महीना उसका चल रहा था। रात को 2 बजे एकदम से उसके पेट में दर्द हुआ, उसे सभी प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए, उसकी हालत सही नहीं थी। इस कारण हम थक हार कर एक सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसको झेल नहीं गए, सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर हमने सरकारी हॉस्पिटल कमला राजा में उसको भर्ती कराया। वहां जब डॉक्टरों ने उसकी जांच करी तो पता चला कि उसके बच्चादानी फट गई और जल्दी से ऑपरेशन करके 7 महीने का बच्चा ही गर्भ से बाहर निकालना पड़ेगा। डॉक्टरों ने उसका इलाज प्रारंभ कर दिया, उसकी बच्चादानी को निकालना पड़ा। बड़ी मुश्किल से गर्भ ठहरा था और बच्चादानी भी बाहर निकाली गई और एक बच्चे ने, लड़के ने जन्म लिया 7 महीने का। पर गुरुजी उस बच्चे की हालत 7वें महीने में बहुत खराब। मां और बेटे दोनों को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। बच्चे और बहन की अच्छी सेहत के लिए मैंने मेरे परिवार वालों से कहा कि 28 तारीख को ददरुआ धाम में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, तो मैं कथा में जाऊंगी और पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करूंगी कि मेरी बहन का बच्चा अच्छा रहे, क्योंकि बड़े सालों के बाद हुआ है और तो भी 7वें महीने में हो गया। गुरुदेव, हम कथा सुनने के लिए पंडाल में आ गए। बाबा को विनती कर कथा पूर्ण कर जब जाने लगे तो फोन पर खबर आई कि जो बच्चा था, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था 7 महीने का, वो मर गया, उसके प्राण छूट गए। जैसे मुझे ऐसी खबर लगी, मेरे साथ में मेरी पड़ोसन आई थी, उसने कहा तू क्या हो गया, तू रोने बैठ गई। कहने लगे मैं कथा सुनने आई थी और उसके बाद भी मेरी बहन के बच्चे के लिए मैंने मांगा था कि इतने साल के बाद बच्चा हुआ है तो कम से कम जिंदा रहे, पर वो 7 महीने का बच्चा मर गया। हॉस्पिटल में भर्ती है वो, मेरी बहन भी और बच्चा भी चले गए। अब करूं तो करूं क्या। उसने कहा कि अपन कथा सुनकर जा रहे हैं, सियोर वाला महाराज कहता है कि खाली कोई नहीं जाता, तो तुझे खाली कैसे बैठ सकता। अपन यहीं पर थोड़ी सी खेत की मिट्टी उठा लेते हैं, उस मिट्टी का ढेला बना लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर कुएं में से पानी की बाल्टी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते हैं। खेत की मिट्टी उठाई, रोड पे से खेत की मिट्टी उठाकर उसकी पूजन करी, बाल्टी भरकर जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा। आधे घंटे बाद खबर आई कि बच्चे की सांस चलना प्रारंभ हो गई। गुरुदेव, अब बच्चा और जच्चा दोनों ठीक हैं। मैं बाबा को नमन करती हूँ, श्री शिवाय शिव तत्व ओघड़ी है शंकर, शिव ओघड़ी, उसकी भक्ति का जो बल है वो साधारण है।